तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएमएस ईडी कोर्स के बारे में और इसके थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे कि सीएमएस ईडी कोर्स का शुरुआत कैसे हुआ था और इसका फंडा अभी तक क्या चल रहा है। और अगर आप सीएमएस ईडी कोर्स करने के बाद अपना प्राइमरी हेल्थ केयर खोल लिए हैं या फिर आप एक प्राइमरी हेल्थ केयर खोलना चाहते हैं तो आपके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है अगर आप पकड़े गए तो अगर आप भी जानना चाहते होंगे तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सबका लर्न मेडिकल फार्मेसी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी शुरुआती की थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार में सीएमएस ईडी कोर्स का शुरुआत कैसे हुआ था। देखिए, मुझे जहाँ तक नॉलेज है कि 1980 के लगभग में जो है कि WHO जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन शायद आप लोग जानते होंगे, तो वहाँ से एक मीटिंग बैठाई गई और लगभग सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को बुलाया गया उस मीटिंग में। और वहाँ पे उन लोगों ने यह डिस्कशन किया कि एक MBBS डॉक्टर को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और साथ में ही बहुत ज़्यादा टाइम भी लगती है, और MBBS डॉक्टर बनाना भी थोड़ा मुश्किल होता है और बनना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें क्या है कि डॉक्टर उतना ज़्यादा नहीं बन पाते हैं जितना ज़्यादा कि डॉक्टर की मांग होती है। तो इसमें क्या होता था कि जो लोग अशिक्षित थे, जैसे पढ़े लिखे कम थे, उन लोगों को प्रॉपर शरीर के बारे में नॉलेज नहीं होता था, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तो ये सब के बारे में जब तक जानकारी नहीं है तो कोई भी मतलब इलाज करेगा तो थोड़ा सा गलत करेगा। तो इसी सब को देखते हुए क्या था कि उस समय जो भी अपना अनुभव बेस पे जो प्रैक्टिस कर लिए थे साथ में, से डॉक्टर के साथ में कोई लोग काम कर चुके थे, वो अपना क्या है कि क्लिनिक खोल के जो है चलाते थे, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें आने लगी थी। तो उसी को देखते हुए वहाँ पे ये मीटिंग में डिसाइड किया गया कि कुछ ऐसा कोर्स बनाते हैं हम लोग कि उस कोर्स में प्रॉपर इतना तक नॉलेज दिया जा सके कि उस कोर्स को करने के बाद जो भी मतलब जैसे सीएमएस ईडी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट जो लोग करते हैं उन लोगों को इतना नॉलेज हो सके कि अपना प्राइमरी हेल्थ केयर तो खोलें, साथ में ही जैसे कि फर्स्ट एड कार्य कर रहे हैं तो साथ में इतना पता होना चाहिए कि किस समय मरीज का सिचुएशन कैसा है और उसको एक डॉक्टर के पास कब हमें भेजना है। तो इसको देखते हुए सीएमएस ईडी कोर्स का जो है कि लॉन्च हुआ जैसे हम कह सकते हैं, और उसमें इतना जानकारी रहती है सीएमएस ईडी कोर्स में कि सीएमएस ईडी कोर्स करने के बाद आप अपना प्राइमरी जो है कि हेल्थ केयर खोल सकते हैं और उसके साथ में ही आपको प्रॉपर इतना नॉलेज रहता है जो सीएमएस ईडी लोग कोर्स किए हैं या फिर जो कर रहे हैं या फिर जो करना चाहते हैं कि अपना आप प्राइमरी हेल्थ केयर के साथ कि पेशेंट को कब जो है कि एक डॉक्टर के पास भेजना है। तो यही सब देखते हुए वो सीएमएस ईडी कोर्स का जो है कि वहीं से चालू हुआ था, और लास्ट में इसको जो है कि सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दिया कि जितना भी मेडिसिन का उसमें कुछ लिस्ट था कि प्राथमिक उपचार केंद्र के अंतर्गत आप इतना प्राथमिक उपचार में इतना मेडिसिन यूज कर सकते हैं। क्या है कि MBBS डॉक्टर बनने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो गांव में जाके इलाज करना नहीं चाहते हैं, जैसे अगर आप रूरल एरिया में रह के किसी MBBS डॉक्टर को इलाज करने के लिए कहें तो वो नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे हालांकि, लेकिन वो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एक MBBS डॉक्टर बनते हैं। तो इसी को देखते हुए सीएमएस ईडी डिप्लोमा धारी जो लोग हैं वो अपना गाँव में जो है कि रूरल एरिया में प्राथमिक उपचार केंद्र खोल के फर्स्ट एड का जो है कि कार्य करते हैं। और इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो देखिए, रजिस्ट्रेशन अभी तक ये पेंडिंग में ही चल रहा है, पूरी तरह से सभी राज्य में रजिस्ट्रेशन इसका नहीं होता है, हालांकि कुछ राज्य में होता है। जैसे कुछ दिन पहले मेरे पास एक भाई साहब का मैसेज आया कि भाई मैं सीएमएस ईडी कोर्स करके रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूँ, जो कि मैं शायद वीडियो में बताया था कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो हाँ, कुछ राज्य में होता है, शायद मैं ये भी बताया था। तो यही है कि आप अपने राज्य में पता कर सकते हैं वहाँ पर होता है या फिर नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप जो है कि सीएमएस ईडी कोर्स करने के बाद एक अपना प्रॉपर क्लिनिक टाइप में चलाने लगते हैं और जो है कि अच्छा जो है कि सर्जरी वगैरह भी करना चालू कर देते हैं या फिर ऐसे कुछ आप पकड़े जाते हैं अनुभव बेस पे आप तो कार्य करेंगे, तो जो है कि इसमें जेल भी हो सकते हैं और दंड के भागीदार भी हो सकते हैं या फिर दोनों हो सकता है। तो हाँ, सभी में एक लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन के साथ अगर आप काम करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हालाँकि अगर एलोपैथिक मेडिसिन प्रैक्टिस की बात करें तो एक MBBS
है डॉक्टर ही ये जो कि कानूनन रूप से एलोपैथिक मेडिसिन का प्रैक्टिस कर सकता है, अन्यथा अदरवाइज कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, प्राथमिक उपचार पे अभी तक सरकार का कोई भी रोक नहीं है कि अगर आप फर्स्ट एड कर रहे हैं तो आप फर्स्ट एड नहीं कर सकते हैं सीएमएस ईडी कोर्स करने के बावजूद भी, अगर जैसा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है इसके बावजूद भी अगर आप फर्स्ट एड करना चाहते हैं तो सीएमएस ईडी कोर्स किए हैं तो आप फर्स्ट एड कर सकते हैं। और भी बहुत से सर्टिफिकेट कोर्स हैं तो उन कोर्स को ही अलग पर्पज़ से बनाया गया, जैसे जो सरकारी स्कीम होती हैं सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं स्वास्थ्य को लेके, तो उसके अंतर्गत उन लोगों को काम करना रहता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि आजकल जो भी जैसे मेडिकल में कोई भी सर्टिफिकेट या फिर डिग्री ले चुके हैं तो वो अपना बहुत ज़्यादा लोग इसी तरह भागते हैं कि अपना स्वयं का प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस एमबीबीएस डॉक्टर का ही काम है, लेकिन आप प्राथमिक उपचार करना चाहते हैं तो सीएमएस ईडी कोर्स किए हैं तो आप कर सकते हैं। और साथ में मैं बता दूं कि जो भी पैरामेडिकल कोर्स किए हैं, शायद आपके दिमाग में भी ऐसा आता होगा कि जो पैरामेडिकल कोर्स किए हैं क्या वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो नहीं, प्रैक्टिस तो मैं बताया है कि एमबीबीएस डॉक्टर का है, लेकिन अगर आप प्राथमिक उपचार करना चाहते हैं तो प्राथमिक उपचार पर कोई रोक नहीं है जिसके पास जैसे मतलब मेडिकल में फार्मेसी या फिर नर्सिंग या फिर लैब टेक्नीशियन ये सब का जो पैरामेडिकल स्टूडेंट हैं पैरामेडिकल कोर्स किए हैं वो भी अपना जो है कि फर्स्ट एड कर सकते हैं, फर्स्ट एड में किसी को रोक नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होता। इसीलिए मैं वीडियो में बताता हूँ कि जैसे लैब टेक्नीशियन और फार्मेसी के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ वीडियो में जोर डाला था कि उसको करने के लिए मैं क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन होता है, आप अपना स्वयं कर सकते हैं। कोई मेडिकल स्टोर है तो फर्स्ट एड क्यों नहीं करेगा। और इसी तरह से है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन होता है उसमें, और जो है कि बहुत ज़्यादा जो है कि नर्सिंग या फिर और भी जो पैरामेडिकल कोर्स उस सब का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। लेकिन हाँ, फर्स्ट एड करने में कोई भी सरकार को आपत्ति नहीं है, अभी तक इस पर कोई रोक नहीं आया है। फिर भी आपका क्या राय है आप कमेंट में बताइएगा हमको, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो अच्छी नहीं लगी है तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि वीडियो में आपको क्या अच्छा नहीं लगा। तो और भी इसी तरह अगर आप वीडियो देखना चाहते होंगे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।